छोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर सीरियल है मधुबाला, जिसे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, जिसकी कहानी एक सीधी सादी लड़की और एक घमंडी लड़के के ऊपर बेस्ड थी। और इसी कहानी को इस सीरियल में नजर आए कलाकारों ने बेहद ही खूबसूरती तरीके से पर्दे पर उतारा था और इस सीरियल को सुपर डुपर हिट बनाया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज इस सीरियल को टीवी पर प्रसारित किए पूरे 9 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इन बीते 9 सालों में इस सीरियल में नजर आए कलाकार आज काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं, जिन्हें आप शायद पहली नजर में पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सीरियल में नजर आए चुनिंदा कलाकारों से मिलवाने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। नंबर 1, पल्लवी पुरोहित। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री पल्लवी पुरोहित का नाम शुमार है, जिन्होंने इस सीरियल में पद्मिनी का किरदार निभाया था और अपने इसी किरदार से लाखों दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट भी किया था। लेकिन वही बात करें इस किरदार को पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री पल्लवी पुरोहित के आज के बारे में, तो उन्होंने आज अपनी 38 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है और ये आज दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती है। साथ ही उन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जिन्हें लास्ट टाइम हरा हरा महादेव कन्नड़ सीरियल में लक्ष्मी का किरदार निभाते हुए देखा जा चुका है। वहीं वर्तमान में अपने पति प्रशांत पुरोहित के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 2, इंद्रेश मलिक। चलिए अब बात कर लेते हैं इस शो में बिट्टू शर्मा का किरदार निभाने वाले अभिनेता इंद्रेश मलिक के आज के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने आज अपने 50 साल की उम्र पार कर ली है। अब बात करें इनमें आए हुए बदलावों के बारे में, तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज ये थोड़े से ना मोटे और स्टाइलिश दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में भी साफ साफ देख ही सकते हैं। साथ ही इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को आज भी कंटिन्यू किया हुआ है। वही वर्तमान में ये अपनी वाइफ लीना मलिक के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताते हुए नजर आ रही है। नंबर 3, सीमा मिश्रा। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में अभिनेत्री सीमा मिश्रा का नाम शुमार है, जिन्होंने इस सीरियल में दीपाली का किरदार अदा किया था और अपने इस मासूम और सादगी भरे अंदाज से लाखों दर्शकों को खूब एंटरटेन भी किया था। लेकिन वही बात की जाए अभिनेत्री सीमा मिश्रा के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने आज अपनी 25 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और ये अपनी 25 साल की उम्र में काफी ज्यादा गॉर्जियस दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इनके तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं। और इन्होंने ना आज अपनी एक्टिंग करियर से दूरी बना ली है। वही बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना शादी करके घर नहीं बसाया है और ना ही ये किसी को डेट कर रही है। नंबर 4, विवियन डिसेना। इस लिस्ट की चौथी कड़ी में अभिनेता विवियन डिसेना का नाम भी शुमार है, जिन्होंने इस सीरियल में ऋषभ का किरदार बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था और साथ ही लाखों करोड़ों लोगों को खूब एंटरटेन भी किया था। लेकिन वही बात करें ऋषभ के किरदार को बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारने वाले विवियन डिसेना के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने आज अपनी 32 साल की उम्र पार कर ली है और आज ये अपने 32 साल की उम्र में काफी ज्यादा हैंडसम, अट्रैक्टिव और अच्छे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं। वही इन्होंने वर्तमान में भी अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू किया हुआ है, जिन्हें साल 2017 में आए सीरियल सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हरमन सिंह का किरदार निभाते हुए देखा जा चुका है। वही बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इन्होंने टीवी एक्ट्रेस वह भी इस दौराबाजी के साथ शादी की थी, लेकिन उनके साथ इनका रिश्ता ना कुछ ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, जिसकी वजह से इन्होंने उनसे तलाक ले लिया और आज सिंगल ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 5, दृष्टि धामी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेत्री दृष्टि धामी का नाम भी शुमार है, जिन्होंने इस सीरियल में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर मधुबाला का किरदार निभाया था और साथ ही अपने इस किरदार से लाखों दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। लेकिन अभिनेत्री दृष्टि धामी के आज के बारे में बात करते हुए, इन्होंने वर्तमान में अपनी 36 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है और आज ना ये बेहद ही ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश और साथ ही गॉर्जियस दिखाई देती है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी साफ साफ देख ही सकते हैं। साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो कि सिलसिला बदलते रिश्तों का सीरियल में नंदिनी का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। वहीं आज ही अपने पति नीरज खेमका के साथ मुंबई में एक खुशहाल और आलिशान जिंदगी स्पेंड कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन चुनिंदा कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया था और आपको किस किरदार के आज के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है, आप हमें अपनी राय और अपना रिएक्शन दोनों ही कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ टीवी जगत और बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग अपडेट्स और खबरों को जानने और पाने और साथ ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।